तो भैया जी, आने वाले कुछ दिनों में लगने वाला है फेस्टिव सीजन सेल, और फ्लिपकार्ट पे ना बहुत सारा धांधली देखने को मिलता है, जैसे कि आईफोन के डिब्बे में वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ये वाला नहीं, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको चिपकाना, वो भी ऐसे ऑफर के साथ, जैसे कि आपको ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विदाउट एनी ज्वाइनिंग फी आप ले सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा। साथ ही अप्लाई करते वक्त कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत होती है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी स्लिप, इनकम प्रूफ। तो इस तरह के ऑफर को देख के आप क्या करेंगे, कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन भैया, उससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, तो उन क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस क्या हैं? अगर हम ले रहे हैं तो हमें आगे चलकर क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं, क्या फी और किस तरह की फी हमसे लिए जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस, जो लेटेस्ट वाला है, नया वाला जो कि 12 अगस्त को चेंज हुआ था, तो उन फी एंड चार्जेस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ज्वाइनिंग फी से, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर चलता है एक ऑफर, और उस ऑफर के अंतर्गत अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो भैया ठीक है, लेकिन उस ऑफर के बाद आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ये वाला, तो फिर आपको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी लगने वाला है। भैया जी, जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे ना, 500 रुपए आपको ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा। एक और चीज हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, जितने भी चार्जेस हम आपको बताएंगे उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा 18%। एग्जाम्पल के तौर पर ज्वाइनिंग फी में ही हम आपको बताते हैं कि कैसे जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट करके आपसे लिया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, ज्वाइनिंग फी है वो 500 रुपए लगेगा, तो जो आपका फी या फिर चार्जेस होगा उसका 18% निकाला जाएगा, एंड देन वो 18% आपके इस 500 रुपए में, यानी जो भी फी एंड चार्जेस होगा उसमें ऐड किया जाएगा, और उसके बाद जो टोटल आपका फी एंड चार्जेस बनता है तो वो फिर आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आता है एनुअल फी, जो कि आपको सेकंड ईयर से 500 रुपए देना पड़ेगा। बट ये 500 रुपए अगर नहीं देना चाहते हैं आप, तो इसके लिए यहाँ पर आपके लिए एक सुविधा रखा गया है। सुविधा यह है कि आपको 3.5 लाख से ऊपर का खर्च करना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके। पहले ये जो एनुअल स्पेंड था ये 2 लाख रुपए था, तो इसे बढ़ा दिया गया है। हाँ, हम समझ रहे हैं आपके मन में है ना, यही सवाल आ रहा है ना कि भैया क्रेडिट कार्ड तो हमको मिला है, लिमिट हमारा 20,000 है, तो फिर हम यहाँ पर 3.5 लाख रुपया कैसे खर्चा करेंगे? हाँ बताइए तो आप। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमको क्रेडिट कार्ड मिला और उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 20,000 रुपया। अब हमको मन किया 20,000 रुपया का एक फोन लेने का, तो हम ये 20,000 रुपया क्या किए, उड़ा दिए। अब जो हमारे क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट है वो अगले महीने के 4 तारीख को है, इसी महीने के 5 तारीख को हमारे पास आ जाता है बहुत सारा पैसा, और हम सोचते हैं कि भैया ये जो 20,000 रुपया हम उड़ाए ना, चलो भैया इसको चुकता कर देते हैं, और फिर वो 20,000 रुपया हम पे कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड का 20,000 रुपया पे करेंगे, तो फिर से हमारे क्रेडिट कार्ड में लिमिट कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। फिर 4-5 दिन के बाद हमारा दोस्त हमारे पास आया, बोला भैया हमको एक फोन लेना है, थोड़ा दिलवा दो, तुम्हारे पास तो क्रेडिट कार्ड है। तो हम बोले ठीक है, और फिर से हम 20,000 रुपया का क्या किया, शॉपिंग किया, और इस तरह से एक ही महीना में मेरा खर्चा कितना हो गया क्रेडिट कार्ड से, 40,000 रुपए। तो यहाँ पर जो आपका सवाल था कि भैया क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 रुपया अगर हमको मिला है, तो हम 3 लाख 3.5 लाख रुपए खर्च कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। और आप इस बात को माने या फिर ना माने, जब क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है ना, तो भैया ऑटोमेटिकली आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, आप करना नहीं चाहते हैं बट हो जाता है। यहाँ पर यह भी साफ साफ लिख दिया गया है कि जो रेंटल ट्रांजेक्शन होगा और जो वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन होगा, वो जो है इस अमाउंट में ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, तो उस अमाउंट को छोड़ के बाकी जो आपका स्पेंड होता है, तो वो इस 3.5 लाख रुपए में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आता है एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फी, जो कि नहीं लगता है, एड ऑन एनुअल फी, जो कि आपको नहीं देना पड़ेगा, कार्ड रिप्लेसमेंट फी नहीं देना पड़ेगा, कैश पेमेंट फी। अब देखिए, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा कैश में चुकाना चाहते हैं बैंक में जाकर, तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा फी के रूप में देना पड़ता है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, चार्ज स्लिप रिवर्टल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी। मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का डुप्लीकेट स्टेटमेंट वगैरह निकलवाते हैं, तो वहां पर जो फी लगना चाहिए वो आपको नहीं लगेगा। आउटस्टेशन चेक फी नहीं लगेगा, मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद है हॉट लिस्टिंग चार्जेस। अब भैया ये हॉट लिस्टिंग क्या है? देखिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है या फिर जाके खो जाता है, तो उस केस में क्या है कि आप अपने कार्ड को हॉट लिस्टिंग में डाल सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस माफ है। उसके बाद आता है फाइनेंस चार्ज, जिसमें रेंटल परचेज और कैश ये दोनों है। फाइनेंस चार्ज 3.6% पर मंथ के हिसाब से आपसे लिया जाता है। एनुअल अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो ये 52.86% आपको एनुअल लगता है। अगर आपके पास किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का कार्ड आप यूज कर रहे हैं, तो आपको ये फाइनेंस चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि भैया ये चार्ज आप एक गलती करते हैं, और जो कि बैंक चाहती है कि आप ऐसा गलती करें, और तभी वो आपसे ये फाइनेंस चार्ज वसूलती है। क्या यही सोच रहे हैं ना कि भैया तब विस्तार से बताइए कि ये फाइनेंस चार्ज क्या होता है? देखिए, इसके लिए ना हम एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना दिए हैं, वो भी एकदम अच्छी तरीके
तरीके से समझाकर एग्जांपल के थ्रू चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा बिल 4 तारीख को आना है और 4 तारीख से पहले मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करता हूं, तो वहां पर कौन सी गलती करने पर हमको चार्ज देना पड़ता है ये फाइनेंस और कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो वहां पर चार्ज किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो ये सारा चीज जो है उस वीडियो में हम बढ़िया से आपको समझाएं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। कैश विथड्रॉवल फी जो कि 2.5% लगता है ऑफ द कैश अमाउंट, यानी जितना पैसा आप निकालेंगे कैश उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा। बट इन्होंने साफ साफ यहाँ पर यह कहा है कि 500 रुपया भैया हम ले ही लेंगे किसी भी हालत में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से 500 रुपए निकालते हैं तो मुझे 1000 रुपए पे आउट करना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हैं ना ये कह क्या रहा है और कहना क्या जा रहा है। बट वहीं अगर आप 40,000 मान लेते हैं, 40,000 आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो वहां पर क्या है 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो 500 रुपए से ऊपर होता है तो भैया वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 500 मिनिमम है ना। समझ गए ना, समझदार है आप लोग। इसलिए हमारा सजेशन रहेगा आपको कि कैश विड्रॉवल जो है वो इग्नोर कीजिएगा। जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए भैया कोई उपाय नहीं है तो फिर आप ये कैश विड्रॉवल वाला यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओवर ड्यू पेनाल्टी और लेट पेमेंट फी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट ड्यू 500 रुपए से कम है तो किसी भी तरह का फी आपको नहीं देना पड़ेगा। बट वहीं अगर 501 से लेके 5000 के बीच में है तो आपको 500 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। 5001 से लेके 10000 है तो 750 रुपए चार्ज लगेगा, और अगर 10000 से ऊपर है तो 1200 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। ये जो चार्जेस है पहले कुछ और था, इसमें भी जो है बदलाव किया गया है, 1200 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद आता है ओवर लिमिट पेनाल्टी, मतलब कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20,000 रुपए है और आप खर्च कर देते हैं 25,000 रुपए, तो 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, यानी जितना आपका ओवर लिमिट अमाउंट हुआ है, 5000 एक्स्ट्रा मेरा ओवर लिमिट हुआ है, तो उस 5000 का 2.5% के हिसाब से यहां पर चार्ज लेंगे आपसे। लेकिन 500 रुपए मिनिमम इनको देना ही पड़ेगा आपको, जैसा कि वहां कैश विड्रॉवल में हो रहा था वही चीज यहां पर भी है। हां तो भैया इस तरह का सवाल ना आप हमारे पिछले वाले वीडियो में दागे थे, तो इसका भी कंफ्यूजन जो है ना हम इस वीडियो में दूर कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि जो आपका लिमिट है वो तो है ही है, लेकिन अगर आप अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा सामान है जिसका प्राइस जो है आपके लिमिट से थोड़ा ज्यादा है बट आपको वो चीज चाहिए, आप अपने लिमिट को जो है वो एक्सीड कर सकते हैं। और इसके लिए दो ऑप्शन आपके पास होता है, एक आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करके और ये चीज करवा सकते हैं, अपने लिमिट को पुश करवा सकते हैं फर्स्ट। दूसरा कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का क्रेडिट कार्ड हो, सारे में ये ऑप्शन होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट जितना भी है तो उसका जो है 10% या फिर 15% या फिर 20% इस हिसाब से जो है आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। बट यहां पर जो है वो चार्जेस आपका इंक्लूड रहता है, आपका इंक्लूड रहता है। अब कोई भी बैंक आपको मना नहीं करती है खर्चा करने से, क्योंकि जब आप खर्चा करेंगे अपने लिमिट से ज्यादा तभी तो बैंक का होगा कमाई, बैंक का होगा फायदा, और बैंक तो यही चाहता है कि आप ऐसा कुछ करें। बाकी भैया ये जो ट्राइपॉड में ऐसे पकड़ के हम जो वीडियो बना रहे हैं हाथ दर्द देने लगा, मजाक नहीं कर रहे, सही में कैसे ब्लॉगिंग कर लेता है। उसके बाद है चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल। मतलब आप अपनी जिंदगी में बहुत खोए खोए रहते हैं और इस खोए खोए के चक्कर में क्या है कि आपको याद नहीं रहता है कि हमको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी जो है वो पे करना है इस तारीख को, फॉर एग्जांपल कि 4 तारीख को पे करना है, लेकिन भैया हम तो खोए खोए रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऑटो डेबिट का। तो ऑटो डेबिट में क्या है कि जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका ड्यू अमाउंट होता है वो आपका पे आउट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली। बट वही आपका ऑटो डेबिट रिवर्सल, चलिए एग्जांपल से थोड़ा समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है 20,000, मैंने खर्चा कर दिया है टोटल 20,000 और 4 तारीख को मुझे पे आउट करना है, लेकिन क्या है कि मेरे बैंक अकाउंट में 18,000 रुपए है। ओके, तो यहां पर मैं सोचा चलो 4 तारीख को पे करना है ना, अभी 15-20 दिन टाइम है तो 2,000 रुपए कहीं से आ जाएगा तो भैया बैंक में डाल देंगे और उसके बाद जो है सारा कट जाएगा। लेकिन भैया हम तो क्या खोए खोए रहते हैं और इस खोए खोए के चक्कर में हम क्या किए, भूल गए कि 2,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगा कि जब वो टाइम आएगा पे आउट होने वाला तो वो आपका क्या होगा, बाउंस कर जाएगा यानी रिजेक्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो यहां पर आपको 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्टेड टू मिनिमम ₹450 और मैक्सिमम 1500 रुपए, यानी जो भी आपका पेमेंट अमाउंट होगा उसका जो है 2% चार्ज आपको देना पड़ेगा फर्स्ट। और यहां पर इन्होंने ये कहा है कि मिनिमम 450 रुपए भैया ये आपसे ले ही लेंगे किसी भी हालत में, और मैक्सिमम जो है ये 1500 रुपए ले सकते हैं। तो अगर आप ऑटो डेबिट वाला फंक्शन इनेबल करके रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितना आपने खर्च किया है अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके। उसके बाद है सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। अब देखिए ये जो IRCTC का और इंडियन रेलवे का जो लंथपन देवानंद वाला सिस्टम है ना, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पर चार्जेस वगैरह जो है वो लगेंगे। ओके, उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी जो कि 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा फॉरेन करेंसी में तो उस ट्रांजेक्शन का जो वैल्यू होगा उसका 3.5% आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिवार्ड रिडक्शन फी जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज या फी नहीं देना पड़ता। अब आता है रेंट ट्रांजेक्शन फी। देखिए ये चीज ना अच्छे से समझिएगा और हम अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है
1% कैप एट INR 1500 पर ट्रांजेक्शन ऑन रेंटल ट्रांजेक्शन। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेंट पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप जो है इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके 20,000 रुपए रेंट पेमेंट किए। ओके, तो 20,000 का 1% के हिसाब से कितना चार्ज निकलता है? 200 रुपए। तो 200 प्लस उसमें GST जोड़ दीजिए, तो वो जो अमाउंट आपका आएगा वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। बट वहीं अगर आपका रेंट पेमेंट 2,00,000 रुपए है, अब 2,00,000 का 1% के हिसाब से कितना निकलता है? 2,000 रुपए। बट यहाँ पर आपको 2,000 रुपए नहीं देना है, यहाँ आपको सिर्फ 1,500 रुपए प्लस इसमें जुड़ जाएगा GST और जो अमाउंट बन के आएगा टोटल वो आपको देना पड़ेगा। फिर आता है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप। मान लेते हैं कि आप विदेश गए, विदेश में मान लेते हैं थाईलैंड गए, अबे साले, और वहां जाकर आप क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी इंडियन करेंसी में, तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। या फिर आप इंडियन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं जो आपका मर्चेंट है वो इंडिया में ही है बट वो रजिस्टर्ड क्या है फॉरेन नेशन से, तो वहां पर भी आपको 1% का चार्ज लगेगा। भैया जी, फाइनली हम फी एंड चार्जेस के बारे में तो जान गए, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको बेनिफिट्स इस कार्ड में क्या मिल सकते हैं या फिर आपको दिए जा रहे हैं विद टर्म्स एंड कंडीशन, भैया ये छिपा रहता है, तो ये सारा चीज अगला वीडियो है ना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर उनके साथ कीजिए जो ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।